सीतापुर के खैरागढ़ में आदमखोर कुत्तों का आतंक है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कुत्तों का एक झुंड आदमखोर हो गया। यूपी के सीतापुर में कुत्तों का आतंक ऐसा है कि मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को दखल देना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 1800 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुकी यूपी पुलिस ने अपने बंदूक का रुख अब बदल लिया। लेकिन आपको बता दें कि यूपी पुलिस अब एक ऐसे कुख्यात गिरोह के पीछे पड़ी है जिसने 12 मासूम बच्चों की जान ले ली। योगी सरकार के आने के बाद से यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी पुलिस के गोलियों से दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यूपी के सीतापुर जिले में सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पर पुलिस अपराधियों को छोड़कर कुत्तों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इसमें जो टीम्स बनाई गई हैं, इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ये कंबाइंड टीम है सभी विभाग की। ड्रोन कैमरा कल भेजा गया था लखनऊ से, और अगर ज़रूरत पड़ेगी वही रिव्यू कर लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और कैमरा भेजे जाएंगे, सो दैट हम एक साथ कई एरियाज़ को मैप कर सकें। ऊपर से इसमें गाँव के लोगों को जितने अधिक से अधिक हम सम्मिलित कर सकें और इन कुत्तों को यथासंभव पकड़ सकें। दरअसल ये मामला है यूपी के सीतापुर जिले का, जहां पिछले 6 महीने में 12 मासूम बच्चों की मौत कुत्तों के आतंक से हुई है। और यूपी पुलिस का कहना है कि ये कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। यहां पे यूपी की पुलिस शोले के धर्मेंद्र की तरह कुत्तों के खून की प्यासी हो गई है। कि रात में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में ये घटनाएं कुछ हुई है, तो प्रॉबेबली अगर हम फ्रिंजेस पे जो ये एरियाज हैं जहां पर की मूवमेंट देखा गया, यदि हम अर्ली मॉर्निंग में या जब रात्रि रहे ही उस वक्त नाइट विजन बाइनोकुलर्स लेकर मूव करें तो शायद इन्हें हम स्पॉट कर सकें। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह और ना कोई दलील। गजब कह ढा रही है यूपी पुलिस की गोलियां, सीधा एनकाउंटर। यूपी पुलिस के आला कमान ने यह फैसला किया है कि जब तक उन कुत्तों को वो घेर घेर के मार नहीं देते, उन 12 मासूम बच्चों की मौत का बदला पूरा नहीं होगा। यूपी के सीतापुर जिले में दिन रात सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस के मुताबिक सीतापुर इलाके में कुत्तों के ऐसे कई गिरोह एक्टिव हैं जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। और अब यूपी पुलिस का कहना है कि 12 मासूम बच्चों के इन कातिलों को वो चुन चुन के मारेगी। यूपी का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर हमेशा से गैंगस्टर्स और अपराधियों को राजनीतिक पार्टियां पालती हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन कुत्तों को कौन से राजनीतिक पार्टी का संरक्षण हासिल है। अपने सहयोगी वकार अहमद के साथ मैं गौरव मिश्रा, लोकमत न्यूज़ हिंदी।